एंड वेलकम टू माई चैनल। सो आज मैं कर रही हूँ तैयारियाँ, यानी बहुत सारी तैयारियाँ अभी पेंडिंग हैं एंड मैं जा रही हूँ। अभी बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। सो अभी मैंने अभी कुछ कुरियर पैक करने हैं, क्योंकि अभी मैंने रीसेलिंग वीडियो एक अपलोड की थी अपने मेन चैनल पे, तो काफ़ी सारे लोगों ने कुछ परचेज किया था, तो मैंने अभी कुछ उनके पार्सल पैक करने हैं। शौर्य को भी मैंने एडमिशन कराया है न्यू स्कूल में, तो फर्स्ट टाइम अभी उसके स्कूल जब स्टार्ट होंगे तो उसकी फ़ीस सबमिट करनी है, तो आज मैं फ़ीस सबमिट करने भी जाऊंगी। यानी कि आज जाते जाते इतने सारे काम है मेरे पास, बिकॉज मैं इतने ज़्यादा दिनों से ना टाल भी नहीं रही थी। एक्चुअली बारिश बहुत हो रही है अभी पोर्ट ब्लेयर में, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं सोच रही थी जाने के लिए एंड निकल ही नहीं पा रही थी घर से। सो बस आज मैं ये सारे काम जो है पेंडिंग वो करूँगी एंड कल ही मुझे निकलना है। सो आज तो लास्ट डे है एंड मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आज पहले कुरियर करने जाएंगे, फिर शौर्य की फ़ीस सबमिट करने जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट जाना है कुछ शॉपिंग करने, बिकॉज कल जाना है मुझे तो शौर्य के लिए दूध वगैरह या फिर जूस वगैरह, ताकि वो मुझे एयरपोर्ट पे परेशान ना करे, बिकॉज मैं अकेले जाने वाली हूँ। एक्चुअली गाइज मेरे हस्बैंड 2 दिन पहले ही चले गए थे, बिकॉज यहाँ पे टिकट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, टिकट मिल ही नहीं रहा था। एक ही टिकट उस टाइम पे था एंड मेरे हस्बैंड का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज उनकी ऑफिशियल कोई ट्रेनिंग थी वहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी, सो उनका जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं अभी मेरी टिकट बाद में हुई है एंड मुझे लग रहा था कि मेरी टिकट बहुत जल्दी हो जाएगी, बट या फिर नेक्स्ट डे की मुझे मिल जाएगी। ट्राई किया था मैंने, एयर इंडिया के ऑफिस भी गई, बट नेक्स्ट डे की कोई टिकट अवेलेबल नहीं थी। सो 3 दिन बाद की मुझे टिकट मिली है। सो जस्ट अभी 3 दिन तो निकल ही गए थे, बिकॉज तैयारियों में कितने सारे काम होते हैं ना जब जाना होता है इतने टाइम के लिए, बिकॉज मुझे आई थिंक मैं जा रही हूँ दिल्ली जा रही हूँ एंड मेरे हस्बैंड का जो भी ऑफिशियल वर्क है वो दिल्ली में है। सो मैं दिल्ली जाऊँगी एंड वहाँ से मेरा घर भी बहुत ज़्यादा पास में है, तो मैं अपने घर पे भी होकर आऊँगी एंड उसके बाद मेरा इन लॉज हाउस भी वहीं पे है। सो सब सारे काम करके आऊँगी, तो मैं मुझे लग जाएगा मतलब 1 महीना तो मुझे लगेगा ही लगेगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन की जाए तो फ्रिज क्लीन करना होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं घर में जो ख़राब होने का डर होता है, यहाँ पे चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं गाइस, बाहर तो छोड़ ही नहीं सकते, फंगस लग जाता है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। सो बस वो करते करते थोड़ा टाइम निकल गया। बस अभी मैं अपना सूटकेस जो लगेज है वो तैयार कर रही थी, उसके लिए मैंने इतने सारे कपड़े फैला दिए हैं। टेप भी ना जरा सा छोड़ दो, खो ही जाता है इसका कॉर्नर। मामा आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ शौर्य, आप कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। अच्छे हो आप? हाँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। खाना भी नहीं खाया, जब भी मुझे इतनी ज्यादा जल्दी हो रही होती है ना कि बहुत ही जल्दी करना है, इसको जल्दी जल्दी खिलाना भी है, एक्स्ट्रा और भी काम करने हैं, तब शौर्य को ना सबसे ज्यादा नाटक करने होते हैं, खाना भी नहीं खाना होता है उसको। तो बस अभी मैं इसको जल्दी खाना खिलाया एंड थोड़ा सा इसने छोड़ भी दिया है, खाया भी नहीं है। सो गाइस शौर्य को रेडी करके मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ एंड अकेले जा रही हूँ, तो मैं आके आपसे बात करती हूँ फिर से। और स्कूटी से और डैडी भी? हाँ बस स्कूटी से और डैडी के पास। सर की से क्या करोगे बेबी? अभी बारिश हो रही है, अभी हम थोड़ी देर से जाएंगे ना बेबी। अभी चलो ठीक है, तो हाउस चलो फिर। हाउस है नहीं, अभी ये हाउस है। ये हाउस है? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऊपर हाउस है, ऊपर चल रहे हैं। नहीं, ये ऊपर हाउस है। मदद कर रहे हो ना मम्मा की, तो उतार लो ना, उतार के दिखेगा आपको। अच्छा मम्मा चला दी, मम्मा आपकी मदद कर देंगी, चलो। घर आ गई, घर आने के बाद याद आया गाड़ी की स्कूटी की चाबी स्कूटी में ही रह गई है। सर आप यहाँ पे वेट करो। नो, आप ये जंप नहीं करिए, इससे तो बहुत लग जाती है। आपसे मना किया घर आने के लिए, चलो ऊपर जल्दी चले। सो गाइज जस्ट मैं अभी आई हूँ एंड जब मैं जा रही थी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट जब मैं आई वापस तो बारिश बंद हो गई और धूप निकल गई और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई। सो एक काम तो हो गया, यानी शौर्य की फ़ीस तो सबमिट हो गई एंड बस दूसरा काम जो मुझे कोरियर करना था वो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की जो पोस्ट ऑफिस है ना उनकी मशीन मतलब मोस्टली वो ना ख़राब ही रहती है, जब भी जाओ कुछ कुरियर करने मोस्टली मशीन ख़राब है, तो आज भी यही हुआ। अब मैं वो दिल्ली जाके कुरियर करूँगी,
तो बस दीदी आ गई हैं, दीदी यानी मेरे घर पे जो क्लीनिंग एंड बर्तन वर्तन जो क्लीन करती हैं, तो मैंने उनको आज जल्दी बुलाया था। मुझे लगा कि जल्दी जल्दी मैं अपना फ्रिज व्रिज साफ़ करके जो भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स होंगी या फ्रूट्स होंगे मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा, तो मैं उनको दे दूँगी। तो बस उनको मैंने जल्दी जल्दी बुलाया आज, तो मेरे आने के बाद ही वो आई हैं, आके वो अपना काम कर रही हैं एंड उसके बाद मेरा बस पैकिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी बज रहा है 4:30 एंड 4:30 बज गया है। अब बस मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पैकिंग करूँगी, पहले तो चाय पीती हूँ, अच्छी सी चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ये देखो शौर्य के नए नए शौक। शौर्य आप क्या कर रहे हो बेबी? तो यहाँ पे लिखने के लिए किसने बोला था? मैंने आपको कॉपी दी थी ना लिखने के लिए। ये देखो ये अभी से मेकअप की प्रैक्टिस कर रहा है टेप लगा के। ये ले जाइए आप, फिर इसमें डाल दूँ। और कहाँ गलत जा रहे हैं? नहीं गलत नहीं जा रही, ये टिकट है ना डैडी के पास जाने का, यही वाला तो टिकट है। डैडी के पास स्कूटी से नहीं, प्लेन से जाएंगे। यस आपका पेट बड़ा हो गया है, दिखाओ दिखाओ क्या है अंदर। ओ फोन ये हेल्प करा दो प्लीज, जरा इसको पुश कर दो। हाँ इसको ऐसे कर लो। ओके मम्मा मुझे थैंक यू बोलो। क्यों? मुझे थैंक यू बोलो। अरे आपने ये हटाया तो थैंक यू बोलो आपको। थैंक यू शौर्य। तो सारे तो पकड़ो, सारे पकड़ो, चलो ऐसे मत पकड़ो वो लाइट खराब हो जाएगी शौर्य। चलो इसको पुश करो। ओ मम्मा से हल हो नहीं रहा, मम्मा की मदद करो। शौर्य रुको 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 बेबी रुको रुको रुको। हाँ मम्मा की मदद करो। सो ये मेरा बैग पैक हो गया है, ये शौर्य का बैग पैक हो गया है एंड बस ये स्पेयर में जो कि हैंड लगेज में मैं लेके जाऊंगी, बस ऑलमोस्ट सामान पैक कर ही लिया है मैंने। सो मैंने जस्ट अभी हेयर वॉश किया एंड सुबह सुबह ना हेयर वॉश करने का टाइम ही नहीं मिलेगा बिकॉज मुझे बहुत ही जल्दी जाना है। शौर्य को भी मैंने रात में ही थोड़े से गुनगुने पानी से नहला दिया था बिकॉज उसको ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है एंड सुबह वो जब मैं निकलूँगी तब वो उठता भी नहीं है एंड अगर मुझे उठते ही उसे नहला दूँगी तो वो खतरनाक तरीके से रोएगा, तो इसलिए मैंने उसको रात में ही नहला के सुला दिया है ताकि सुबह बस मैं उसको कपड़े पहना के और लेके चली जाने वाली हूँ। तो अभी जस्ट मैंने डिनर किया, डिनर में मैंने आज मैगी बनाई थी बिकॉज टाइम ही नहीं मिल रहा था गाइस एंड अभी जस्ट मैगी खाई है, उसके बाद थोड़ा सा धूप पिया है। अब मैं सोऊंगी बिकॉज सुबह बहुत जल्दी उठना है, अभी बज गए हैं रात के 12:30 एंड अब बस मैं सो जाऊंगी एंड बहुत ज़्यादा थकान भी फील हो रही है, आईज भी ऐसे 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 ब्लिंक होने लग गई है।